Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. So first of all, I hope you people are doing absolutely well and आपकी preparation उससे भी ज़्यादा बढ़िया चल रही होगी क्योंकि बस कुछ दिन बाकी है and September 24 का exam start हो जाएगा. पहली बार हम September में ICAI का exams देखेंगे. तो आज की video में I am going to answer one of the most asked question in audit, that how should you prepare और हाउ शुड यू इंश्योर गुड मार्क्स इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. इस वीडियो में मैं तीन चीज़ कवर करूंगी. सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन योर एग्जाम्स, दूसरा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, एंड तीसरा व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स. ठीक है, सबसे पहले आते हैं वेटेज पे या इंपॉर्टेंस पे स्टैंडर्ड्स के. तो ये टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. ये टेबल मैंने ICAI के वेटेज से ही बनाया है. मैंने कोई पास्ट पेपर एनालिसिस, MTP, RTP, PTP एनालिसिस नहीं किया है. मैंने कोई ABCD एनालिसिस नहीं किया है. ICAI ने जैसा वेटेज दे रखा है, ICAI ने जो रखा है कि वो ऑडिट में इस चैप्टर से इतना मार्क्स पूछेंगे, वो मैंने आपको दिया है. एंड यू नो, ईस्ट और वेस्ट ICAI इज द बेस्ट. आपको ICAI ही फॉलो करना चाहिए. उसके ऊपर उठ के कुछ फॉलो करोगे फिर एग्जाम में सही नंबर नहीं आएंगे तो फिर वापस आपको अटेम्प्ट देना पड़ेगा. ICAI का कुछ नहीं जाएगा. तो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ICAI एकदम आर्डेंटली. भगवान बना लो उसको. ठीक है, तो ये ICAI का मार्क्स का वेटेज है. अभी अगर आप इसका टोटल लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि 50 टू 55 मार्क्स या अराउंड 60 मार्क्स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से पूछा जाता है. तो ये तो सिनेरियो क्लियर है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई अगर टॉपिक आपका 60% ऑफ द पेपर कवर कर रहा है तो मतलब उसको तो करके जाना ही है. अगर इसके बाद भी आप सोचते हैं कि मुझे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं करना है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ कंटेस्टेंट फॉर खतरों के खिलाड़ी. आप जा सकते हैं क्योंकि आप ICAI को डायरेक्टली चुनौती दे रहे हैं कि मैं 60% नहीं करके आया हूँ, मुझे फेल करके दिखाओ, या आपको चाहिए कि मैं ऑडिट में इस बार नहीं क्लियर कर पाऊँ, तभी आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग छोड़ोगे. क्या मैम मैं 2 स्टैंडर्ड्स कर सकता हूँ, 2 स्टैंडर्ड्स छोड़ सकता हूँ? आई विल रिक्वेस्ट नॉट टू. क्यों? क्योंकि अगर आप पेपर्स देखो तो जो भी एसेज होते हैं या जो भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी 2-4 ऐसे मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है. अब इसमें होता क्या है, अगर 2 ऐसे मिला के क्वेश्चन पूछा गया और आपने एक ऐसे प्रिपेयर किया और एक ऐसे प्रिपेयर नहीं किया है तो अल्टीमेटली आप वो क्वेश्चन तो अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे. एंड जो हमारा परफॉर्मेंस होता है अंदर D डे कि हमें एग्जाम में सबसे बेस्ट परफॉर्म करना है, वो आप नहीं कर पाओगे. तो आई विल रिक्वेस्ट कि कोई भी स्टैंडर्ड छोड़ के मत जाओ. कोई स्टैंडर्ड हार्ड रख रहा है तो उसको एटलीस्ट रीड करके जाओ कि क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख पाओ. अगर कोई भी स्टैंडर्ड पूरा स्किप करके जाओगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम हॉल में रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं होगा. ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम पे. मैम जो आप इतना बोल रहे हो कि छोड़ के मत जाओ, ये मत करके जाओ, बट ये सब प्रॉब्लम्स का क्या करें? क्या सब प्रॉब्लम्स? सबसे पहले मैम लैंग्वेज इज़ वेरी टेक्निकल. लैंग्वेज ऐसी है कि वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है एंड इसीलिए बहुत दिन तक याद नहीं रहती. स्कूल में भी जो टेक्निकल चीज़ें होते थे हम रट्टा मार के जाते थे, वो भी हम एग्ज़ाम के पहले जो रट्टा मार के जाते थे कि एग्ज़ाम में जाके वॉमिट कर सके, उसके अलावा कुछ नहीं. तो स्टैंडर्ड्स की सबसे बड़ी दिक्कत है कि लैंग्वेजेस टेक्निकल. दूसरा, भूलने की बहुत आदत है मैम. बहुत जल्दी जल्दी स्टैंडर्ड्स भूल जाते हैं. एंड लेट मी टेल यू, ये सब आपके साथ नहीं होता है, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है कि आज मैंने स्टैंडर्ड पढ़ा, 2 दिन बाद मैं भूल गया, फिर मैंने पढ़ा, फिर 2 दिन बाद भूल गया. आप देखोगे बाकी चैप्टर्स ऑफ ऑडिट में फिर भी ये नहीं हो रहा, बट स्टैंडर्ड्स के साथ ये लगातार होते जा रहा है कि आप पढ़ते जा रहे हो और भूलते जा रहे हो. तीसरा, जो मोस्ट कॉमन डाउट मेरे पास आता है बच्चों का कि मैम हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन ही नहीं पता चला कि कौन से टॉपिक से. एंड जब हमने आंसर देखा हमें रियलाइज हो, अरे नहीं, ये तो हमने टॉपिक पढ़ा था बट मैम मैं क्वेश्चन को लिंक ही नहीं कर पाया कि कौन से टॉपिक से. ठीक है, चौथा, बहुत सारे ऐसे में कन्फ्यूजन होता है. मैम मैं ऐसे 500 की जगह ऐसे 530 लिख देता हूँ, ऐसे 530 में ऐसे 550 लिख देता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है ऐसे 530 में क्या था, ऐसे 500 में क्या था, ऐसे 510 में क्या था, ऐसे 520 में क्या था. तो ये कन्फ्यूजन चलते रहता है. एंड लास्टली मैम इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम 1.5 डे में ऐसे कवर कर पाए. तो आप जो भी बोल लो कि ये नहीं छोड़ के जाना चाहिए और करके जाना चाहिए, खतरों की खिलाड़ी, ये सब बकवास है क्योंकि 1.5 डे में इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू कवर the entire syllabus of auditing. This all problems I have written from my past experience and from the doubts I have got. इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है जो आप फेस कर रहे हो, एंड अगर ऐसा कुछ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. बट अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैंने दो पार्ट्स में लिख रखा है। सबसे पहले अगर आप पहली बार अभी ऑडिट पढ़ रहे हो, और दूसरा अगर आप रिवाइज कर रहे हो। अब क्योंकि ये वीडियो में हम प्राइमरीली सितंबर 24 के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, तो हम पहले उनको फ्री करेंगे, उनको ज़्यादा देर तक रुकाएंगे नहीं, एंड पहले ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप रिविजन फेज में हो अभी ऑडिट के, तो आपको कैसे रिवाइज करना चाहिए ताकि ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सबसे पहली चीज़, जब भी ऑडिट करो या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट करो, एक कॉपी लेके बैठो, कोई भी ब्लैंक कॉपी लेके बैठो। जब आपका एक ऐसे हो जाए या कुछ टॉपिक्स हो जाए या कुछ पेजेस हो जाए, तो एक बार बुक बंद करो और उसको स्क्रिबल करो। स्क्रिबल इन द सेंस छोटे छोटे वर्ड्स लिखो, पूरी सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर की वर्ड्स या छोटे छोटे वर्ड्स लिखो, या अपने ही लैंग्वेज में थोड़े थोड़े लाइन्स लिखो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, ओ अभी मैंने पढ़ा, अभी मुझे याद है। एंड रिपीट दिस एवरी 2 to 3 days फॉर द सेम टॉपिक। सपोज मैंने आज ऐसे 200 पढ़ा, कल मैंने ऐसे 210 पढ़ा, परसों मैंने ऐसे 220 पढ़ा। फोर्थ डे में क्या करूँगा, मैं फिर से एक बार ऐसे 200 स्क्रिबल करने का ट्राई करूँगा। जब आप ये कंटिन्यूअस हैबिट बना लोगे ना, तो आपको लगेगा अच्छा हाँ ये तो अभी पढ़ा था, अभी याद है। वेरस अगर आप ऐसे 200 फर्स्ट डे में पढ़ के उसके बाद 10वां दिन फिर से आओगे कि ऐसे 200 पढ़ना है, तब नहीं याद होगा। हैव दिस हैबिट कि एवरी फोर्थ डे आई एम रिवाइजिंग, एंड रिवाइजिंग थ्रू व्हाट, स्क्रिबलिंग। मैं अपने नोटबुक में सिर्फ कीवर्ड स्क्रिबल कर रहा हूँ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना है, आपको बस लिखना है रीजनेबल एश्योरेंस, एफएसएस फ्री फ्रॉम एमएमएस, रिपोर्टिंग एंड गिविंग एन ओपिनियन। आप बस इतना लिख लोगे ना, आपको एक कॉन्फिडेंस खुद से आ जाएगा, हाँ मुझे ऊपर ऊपर से तो याद है। वेरएज अगर मैं डायरेक्टली उस टॉपिक को छोड़ के और सोचूँ एग्जाम की पहले मुझे याद है, नहीं याद आएगा। ह्यूमन ब्रेन है, टेंडेंसी रहती है भूलने की। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें भूलते हो या आपको बहुत दिन तक चीज़ें याद नहीं रहती, दिस वन ट्रिक दैट यू शुड फॉलो। नेक्स्ट, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत बच्चे स्किप करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन एंड आंसर देखना। तो सपोज मैंने कोई ऐसे देखा, आपको साथ साथ उसका Q&A देख लेना चाहिए। देर आर मल्टीपल स्कैनर्स अवेलेबल इन द मार्केट जो ऐसे ओरिएंटेड पूरा Q&A बताते हैं। सारे उनके चैप्टर्स में बाइफिकेटेड है कि उस चैप्टर से रिलेटेड Q&A क्या है। तो मैं ये भी नहीं बोल रही आपको सारा Q&A सॉल्व करना है, बट एटलीस्ट देख लो कि क्वेश्चन कहाँ से है एंड उसका आंसर कौन से टॉपिक से। अगर आप ये सारे ऐसे के लिए करोगे ना, आपको खुद से वो कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट आप रिलेट कर पा रहे हो कौन से टॉपिक से। सबसे वर्स्ट एग्जाम हॉल में यही होता है कि हमें सब आता था पर हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, इसलिए हम आंसर नहीं दे पाए। सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड दैट, इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि आप जितना पढ़ के गए आप सब लिख पा रहे हो, सो क्वेश्चन आंसर इज़ अ मस्ट। अगर आपको 2 घंटा लग रहा है कोई ऐसे करने में, तो मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स लगेगा उसका Q&A रेफर करने में। बट वंस यू डू इट, आई एम गारंटिंग यू, आपको अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इससे रिलेटेड अब मैंने सारे Q&A पढ़ लिए, अब मुझे आता है ये चैप्टर अच्छे से। सो मेक दिस अ हैबिट। कोई भी स्कैनर दैट इज़ अवेलेबल ऑन टेलीग्राम और दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, ले आओ उसको। एंड जैसे ही आप वो टॉपिक पढ़ना खत्म कर रहे हो या आप वो चैप्टर पढ़ना खत्म कर रहे हो, एक बार उसके Q&A देख लो। मैं लिखने नहीं बोल रही, बस देख लो एंड देख लो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन से टॉपिक से, ताकि आप एग्जाम में अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आए तो आप उस टॉपिक पता हो कि आपको किससे आया है, तो आप अगर बहुत कुछ भी नहीं तो थोड़ा तो लिख पाओ। ठीक है। तीसरा, हमेशा ऐसा रिवीजन प्लान बनाना जिसमें आप स्टैंडर्ड्स को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो। हम ये बहुत बार गलतियां करते हैं कि जो सबसे हार्ड है उसको लास्ट में करेंगे। अरे क्यों करना है, जो सबसे हार्ड है उसको पहले करके ख़त्म करो, ताकि जब एट द एंड ऑफ द डे यू आर एग्जॉस्टेड, अब आपसे और नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आप लाइटर टॉपिक्स ले पाओ। तो कोई भी रिविजन प्लान बनाओ, 1.5 डे, 10 डे, 5 डे, कैसा भी रिविजन प्लान बनाओ, उसमें स्टैंडर्ड्स को प्रायोरिटाइज़ करना एंड स्टैंडर्ड्स को पहले कंप्लीट करना है। ठीक है। लास्ट इज 1.5 डे में अगर नहीं रिवाइज हो रहा है, सो दिस इज़ वन ट्रिक दैट आई फॉलोड इन माई CA इंटर एंड CA फाइनल। मैंने क्या किया था, अपने फर्स्ट एग्जाम के पहले, दैट इज़ एडवांस अकाउंटिंग फॉर इंटर, उसके जो 10 दिन पहले ना, हर रोज़ मैं 1 घंटा ऑडिट को डिवोट करती थी, जिसमें मैं 1 ऐसे या 2 ऐसे रिवाइज करती थी। तो सपोज अगर मेरी एडवांस अकाउंटिंग की एग्जाम है 10 सितंबर को, तो मैं 1 सितंबर से एवरी डे 1 घंटा ऑडिट को दूंगी, जिसमें मैं सिर्फ एसेज पढ़ूंगी एंड ऐसे रिवाइज करूंगी। इफ़ यू आर डूइंग दिस फॉर 10 डेज, आप 1.5 डे में देखोगे आपका ऐसे का पेस अलग लेवल पे होगा। एकदम फटाफट ऐसे खत्म होंगे, क्योंकि ब्रेन अभी अभी वो सारा कुछ प्रोसेस करके आया है, ब्रेन अभी अभी वो सारा कुछ रिवाइज करके आया है. सो फॉलो दिस वन ट्रिक एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू कवर द एंटायर सिलेबस इन 1.5 डे. अगर सिर्फ 10 दिन में आप एक एक घंटा दोगे, 10 घंटे टोटल में देने बोल रही हूँ, तो आप देखोगे कि आपका एसे का रिविजन का पेस अलग लेवल पे, आप ऐसे एकदम फटाफट रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक लर्निंग फेज में ऐसे रिवाइज कर रखा है एंड अभी 10 दिन में फिर से ऐसे रिवाइज किया है, तो तीसरा रिविजन में ऑब्वियसली स्पीड बढ़ जाएगी एंड आपको टाइम कम लगेगा. सो फॉलो दिस वन ट्रिक एंड 1.5 डे में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा कवर. एंड लास्टली, a lot of times we panic a lot in exam hall, especially audit में बच्चों को fear होता है कि कुछ भी हो जाए audit मुझे नहीं आता, ये audit में सिर्फ मैं 40 स्कोर करना चाहता हूँ, ये audit का पेपर मुझसे नहीं होगा, या भगवान करे मेरे बगल वाले को audit आता हो. Don't get these thoughts in your mind. खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद अच्छे से प्रिपेयर करो, ऑब्वियसली यू विल गेट द रिजल्ट. तो पैनिक नहीं करना है. बहुत बार होते सोते हमें सब आता है हॉल में, एग्जाम हॉल में सब क्वेश्चंस आते हैं, बट हम लिख नहीं पाते क्योंकि वो पैनिक अराइज हो जाता है. डोंट मेक दिस मिस्टेक. क्वेश्चन पढ़ो, अगर क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसको आंसर करो, नहीं आता तो उसको स्किप करके आगे बढ़ो. बेकार में उसी क्वेश्चन पे स्टक मत रहो कि ओ क्या था क्या था क्या था, आसपास से पूछो, सामने वाले से पूछो, ये सब मत करो. If you know the question, great. If you don't know, skip and move ahead. बाद में जब टाइम मिले तब उस क्वेश्चन पे वापस आना. एंड लास्टली, मेक MCQs योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. थ्योरी पेपर्स में MCQ इज समथिंग दैट यू शुड टारगेट अ लॉट. आपको टारगेट करना चाहिए कि मैं MCQ में कैसे मैक्सिमम सिक्योर कर पाऊँ. अगर अभी आपने May 24 वालों की भी आंसर शीट देखी होगी तो MCQs में दीज पीपल हैव स्कोर्ड अ लॉट. अगर आप MCQs में अच्छा स्कोर करते हो तो ऑटोमेटिकली यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन. MCQ में अगर आप 30 में 25-26 ले आते तो बाकी पेपर आप संभाल पाओगे. सो मेक श्योर यू आर डूइंग MCQs रियली रियली वेल. MCQs के भी अगेन बहुत सारे स्कैनर्स, बहुत सारे PDFs अवेलेबल है, यू कैन कंसल्ट एनीथिंग. और ICAI का केस स्टडी डाइजेस्ट कंसिडर कर सकते हो आप, या जो अभी ICAI ने न्यू MCQs निकाली अंडर BOS नॉलेज पोर्टल, वो सब दैट इज मोर देन इनफ. So these are the tips that you should ensure if you are preparing audit for September 24. अब आते हैं जनवरी 25 वाले बच्चों के लिए जो शायद अभी ऑडिट के ट्यूशन्स कर रहे होंगे या ऑडिट पढ़ रहे होंगे. सो आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप स्टार्टिंग से प्रिकॉशन रखो, आप स्टार्टिंग से कॉशियस रहो, तो बाद में आपको जाके कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, बाद में जाके कोई प्रेशर नहीं आता, कोई रिग्रेट नहीं आता. इसीलिए जनवरी 25 वाले बच्चों को बोल रही हूँ कि अभी से ये सारे स्टेप्स फॉलो करो, ताकि आपको जब आपके एग्जाम्स पास हो तो कोई वो प्रेशर फील नहीं हो कि यार ऑडिट कैसे होगा. ठीक है, तो इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर जनवरी 25 दीज आर द टिप्स फॉर यू. सबसे पहला, रीड ऑडिट विद अ क्वेश्चनिंग माइंड, यानी पढ़ो ऐसे कि वाई इज ऑडिट बीइंग डन, वाई इज अ डॉक्यूमेंटेशन नीडेड, वाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड, वाई वाज अ स्टैंडर्ड मेड ऑन दिस, वाई इज कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हियर, वाई इज द ऑल्टर पनिशेबल हियर, या वाई वॉज द एविडेंस नीडेड, वाई इज दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन नीडेड, वाई इज दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर रिलेटेड. इससे क्या होगा ना, जब आप क्वेश्चनिंग माइंड से पढ़ते हो, जब आप लॉजिकल माइंड से पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत दिन तक चीज़ें याद रहती है. जैसे अब सपोज आप याद करो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारी ऐसी टीचर्स थी जो हमें ऐसे क्वेश्चनिंग माइंड से पढ़ाती थी. ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहती थी, क्योंकि योर माइंड एक्सेप्ट्स लॉजिक बेटर. अगर आप अपने माइंड को किसी चीज़ का लॉजिक दे दे रहे हो, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग दे दे रहे हो, तो उसको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, उसको सिर्फ ब्लैंडली मेमोराइज करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली थिंग्स विल बी रिटेन्ड बेटर. तो फर्स्ट टिप दैट यू शुड फॉलो, कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, ICAI से पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, रीड विद अ क्वेश्चनिंग माइंड. दूसरा, स्क्रिबल शॉर्ट नोट्स ऑन द मार्जिन या जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है. क्या नोट्स मैम स्क्रिबल करने हैं हमें? जो आप उस पैराग्राफ से समझ रहे हो. यानी अगर आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा ऑफ एन ऑडिटर तो साइड में लिख दो कि रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब ये है मेरे हिसाब से, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब ये है मेरे हिसाब से, ओपिनियन का मतलब ये है मेरे हिसाब से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है मेरे हिसाब से. ये सब चीज़ें क्या है ना, अभी तो हेल्प करेंगी कि जब आप उसको अपने वर्ड्स में लिखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर. बाद में जब आप रिविजन फेज में बैठोगे या सेल्फ स्टडी फेज में बैठोगे ना, तब और ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा अच्छा इसका मतलब ये था, मैंने ये लिखा था, ये समझा था. तो उससे क्या रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. जब आपको खुद की स्क्रिबल नोट्स दिखती है ना बुक में, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, इसको मैंने ऐसे समझा था, ये मैंने ऐसे किया था, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है. तो सेकेंड टिप दैट यू शुड फॉलो इज स्क्रिबलिंग नोट्स ऑन द साइड मार्जिन. थर्ड, हाईलाइट द कीवर्ड्स। ऑडिट एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे विच यू आर नॉट अकस्टम टू और विच यू आर नोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो भी ऐसा कीवर्ड्स या हार्ड वर्ड्स या टेक्निकल वर्ड्स लग रहा है उसको हाईलाइट करो एंड मेक इट अ पॉइंट कि जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स है उसको आप कहीं कॉपी में नोट कर रहे हो या उसी वर्ड्स को आप दोबारा पढ़ रहे हो। मतलब सपोज आज मैंने पहली बार अश्योरेंस का मतलब समझा या अश्योरेंस वर्ड सुना, तो आज मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, कल मैंने फिर अश्योरेंस पढ़ा, परसों मैंने फिर अश्योरेंस पढ़ा, फोर्थ फिफ्थ डेट तक आप देखोगे वो आपके टंग पे आ जाता है, आप उसको बहुत नॉर्मली या ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करने लग जाते हो। तो ऑडिट में इफ़ यू इम्बाइब दिस हैबिट, इफ़ यू मेक दिस हैबिट कि मैं वर्ड्स को बहुत कैजुअली नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं वर्ड्स के साथ अकस्टम्ड हो गया हूँ, तो आपको वो टेक्निकल वर्ड्स का प्रेशर फील नहीं होगा। आपको लगेगा हाँ ये तो नॉर्मल लाइन है, इसका मतलब तो मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ। और जिस दिन आप ऑडिट में लाइन्स का मतलब इंटरप्रेट कर पाते हो ना खुद से, हाउ द बैटल इज वॉन। तो जितने भी टेक्निकल वर्ड्स, जितने भी न्यू वर्ड्स आपको लग रहे हैं उसको हाईलाइट करो, उसको कंटिन्यूस रीडिंग में लो। आपको पूरी लाइन फिर से नहीं पढ़नी, बट रीड दोज टेक्निकल वर्ड्स अगेन एंड अगेन। इससे क्या होगा कि आप वो वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा कैजुअलाइज हो जाओगे या नॉर्मलाइज कर दोगे उस वर्ड को, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑडिट। ठीक है। एंड लास्टली ये टिप आपको हर टीचर बोलता होगा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, जितना उसको रिवाइज करोगे, जितना बेटर पढ़ोगे, जितना लर्न करोगे, अभी से हैबिट में डालोगे, उतना इट विल हेल्प। यानी कि सपोज़ आज मैंने ऑडिट की क्लास ली, घर जाके हार्डली वो टेक मी 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि आज ही आपने क्लास किया, आपको बहुत कुछ याद रहेगा। 15 से 20 मिनट लगेगा उस चैप्टर को या उस टॉपिक को फिर से एक बार रीडिंग लगा लो। ट्रैवलिंग टाइम यूज़ कर लो, घर जाते समय अगर कोई टाइम मिल रहा है तो वो यूज़ कर लो, डिनर करते हुए कोई टाइम यूज़ कर लो, स्लीप के पहले कोई टाइम यूज़ कर लो, कुछ भी। हार्डली वो टेक 15 to 20 मिनट्स, बट एक बार जो क्लास में पढ़ाया गया या जो उस दिन आपने खुद से पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। यू विल फील द डिफरेंस योर सेल्फ। अगर आप 2 से 4 महीने बाद वहाँ खड़े होंगे ना बाकी लोगों के साथ और आपने वो रिविजन टेक्निक्स किए, आपको खुद लगेगा यार मुझे तो बाकी से कुछ ज़्यादा आता है, मुझे बाकियों से कुछ ज़्यादा याद है। So if you want to get an exemption in audit, make this an habit कि जो भी मैंने पढ़ा है आज या जो भी मैंने क्लासरूम में पढ़ा है, जो भी टीचर ने पढ़ाया है, वो मैं घर जाके रिवाइज करूँगा। Make a timetable, allot 15 to 20 minutes to audit, 15 से 20 मिनट जो भी है आप उसको रिवाइज करोगे। ट्रैवलिंग टाइम, हम सब आज अगर सेंटर पे क्लास करते हैं तो आते जाते घर पे ट्रैवलिंग टाइम रहता ही है, तो उसको यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ो, जो पढ़ाया है बस उसको रिवाइज करो। इट इज़ंट नेसेसरी कि आप कॉपी नोट्स, बुक नोट्स सब रिवाइज करो, जो भी अगर बुक्स में है तो बुक्स नोट्स रिवाइज कर लो, कॉपी है तो कॉपी नोट्स रिवाइज कर लो। बट वंस यू नो कि अच्छा आज जो पढ़ाया वो मैंने रिवाइज कर लिया, मैंने एक बार दोबारा रीड कर लिया है, मैंने उसको इंटरप्रेट कर लिया, मैंने एक बार खुद से समझ लिया है, तो यू विल बी डन फॉर दैट डेट। यू विल फील कि हाँ अच्छा आज जो था वो मैंने समझा है। अब क्लासरूम में हम बहुत बार चीज़ें समझते नहीं हैं, टीचर पढ़ाता है हम उसको साथ साथ रीड कर लेते हैं, बट वंस यू आर अलोन रीडिंग इट खुद से, तो आपको समझेगा कि अच्छा हाँ ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। आप खुद फील करोगे कि आपको बहुत सारे डाउट्स जब आप खुद से पढ़ रहे हैं तब आता है, टीचर पढ़ाता है तब नहीं आता है। इसीलिए हर टीचर ये मैंडेट करता है कि आपको 15 से 20 मिनट कोई भी सब्जेक्ट जो आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो उस पर स्पेयर करना चाहिए। एंड 15 मिनट्स ईच डे विल हेल्प यू इन द सेल्फ स्टडी फेज या रिवीजन फेज। जब आप फील करोगे कि जहां ऑडिट में बाकी लोगों को 10 दिन लग रहा है, आपको 7 या 8 दिन ही लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद है। सो मेक दिस अ हैबिट टू डू सेल्फ स्टडी और टू रिवाइज वट एवर हैज़ बीन टॉट इन द क्लास। इसके अलावा और कुछ टिप्स नहीं है, जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी जो आप चाहते हो जिस पे वीडियो बने या जो चाहते हो आप मैं एड्रेस करूँ इन रिगार्ड टू ऑडिट, यू कैन कमेंट दैट इन द कमेंट्स बॉक्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमेशा ये कॉन्फिडेंस रखो कि आपने जितना पढ़ा है वो बहुत है एंड आप जो भी पढ़ोगे वो सब सही है। हैव दिस कॉन्फिडेंस। अगर आप वो अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे यार मैं जो भी पढ़ रहा हूँ शायद गलत है, मुझे ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, always believe whatever you are studying is the best for you. ठीक है, so अब मिलते हैं next video में, and until then do like, share, comment and subscribe, and for more such interesting content follow Navin Classes.